Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course. And in our today's video, we will discuss about the class 3rd model test paper. This is class 3rd model test paper for March 2022 by APS classes, and this is the annual exam HP board 2022. तो आज की जो हमारी वीडियो है बेटे एपीएस क्लासेस की तरफ से वो है हमारी क्लास 3rd की मॉडल टेस्ट पेपर हम सॉल्व करवाएंगे और वो मॉडल टेस्ट पेपर जो है बेटे वो है आपका ईवीएस का. ईवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे आपके साथ. किस तरह का पेपर का स्टाइल रहेगा, किस तरह का पेपर का पैटर्न रहेगा और उस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे और हरेक क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से रहेगा. तो ये सिर्फ बच्चों की सहूलत के लिए जो एपीएस क्लासेस है वो लगातार मॉडल टेस्ट पेपर जो वो सॉल्व करवा रही है ताकि बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो. तो बेटे सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर फुली सॉल्व रहेगा, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करवाएंगे आज आपके साथ, ठीक है. एंड दिस मॉडल टेस्ट पेपर इज रिसेंटली इश्यूड बाय द एचपी बोर्ड. सबसे पहले बच्चे आपका क्लास 3rd सब्जेक्ट जो है दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज. जैसे कि मैंने कल की भी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, इंग्लिश का पेपर हमने सॉल्व करवाया था तो उसमें आपको पैटर्न बताया था कि आपके पेपर का जो एक पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा. तो सबसे पहले बेटे आपका स्कूल नेम, वट एवर योर स्कूल नेम, जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं आप उस स्कूल का नेम लिखेंगे. सपोज एक्स वाई जेड, इट इज योर स्कूल नेम. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया है, पर जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे होंगे स्कूल का आपका नेम आएगा. उसके बाद स्टूडेंट नेम, जो भी बेटे आपका नाम होगा सच एज एबीसी, जो भी आपका नाम होगा वो आप मेंशन करेंगे. क्लास एज ऑल वी नो आपकी क्लास जो रहेगी दैट इज 3rd क्लास. उसके बाद जो आपका बेटे क्लास का रोल नंबर होगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आप मेंशन करेंगे. उसके बाद डेट, किस डेट को आपका ईवीएस का एग्जाम होगा उस डेट को आप वहां पर मेंशन करेंगे. मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे बच्चे आपके पेपर के वो आपके रहेंगे 50 मार्क्स, ठीक है. और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपके एग्जाम की वो रहेगी आपकी 3 आवर्स की. तो बेटे लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द ईवीएस सब्जेक्ट. एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटे आपका दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, जिसमें कि आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस. आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. उन 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट अ वर्ड. ऑप्शंस आर लॉयन, बी स्पैरो, सी पैरेट एंड डी इज पिजन. 4 ऑप्शंस दिए गए बेटे आपको, उसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो वर्ड नहीं है. तो बेटे स्पैरो, जैसे आप जानते हैं स्पैरो भी वर्ड है, पैरेट भी आपका वर्ड है, पिजन भी आपका वर्ड है. अगर बर्ड नहीं है तो आपका लॉयन इज नॉट अ वर्ड. लॉयन इज नॉट अ बर्ड. सो योर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. तो जो आपकी सही ऑप्शन रहेगी बेटे इस क्वेश्चन की वो रहेगी आपकी ए ऑप्शन, क्योंकि लॉयन जो है इट इज नॉट अ वर्ड. सेकेंड क्वेश्चन बेटे, इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल. इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन है जो फ्यूल की फॉर्म है. ऑप्शंस दिए गए हैं स्टोन, बी वाटर, सी वुड एंड डी इज आयर. 4 ऑप्शंस में से आपको ये चूज करना है कि इनमें से जो है वो कौन सी फॉर्म है जो फ्यूल की फॉर्म है. तो बेटे स्टोन जो है इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, वाटर भी इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, आयर इट इज अगेन नॉट अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, बट वुड इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल. वुड, वुड इज ए फॉर्म ऑफ फ्यूल. तो इसका जो सही ऑप्शन है बेटे दैट इज सी ऑप्शन. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 3. 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 नंबर के रहेंगे, ऑप्शन बेस्ड है आपके ये क्वेश्चन. 3rd क्वेश्चन बेटा, सो योर 3rd क्वेश्चन इज हु वर्क्स इन ए पोस्ट ऑफिस. Who works in a post office? कौन है जो पोस्ट ऑफिस में
वर्क करता है, कौन है जो डाकखाने में काम करता है? ऑप्शंस है ए नर्स, बी मेसन, सी पोस्टमैन, डी पुलिस एंड ए इज नर्स। तो बेटे आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जहां पर लेटर्स को जो है पोस्ट किया जाता है, डाकिया जो होता है वो घर घर जाकर लेटर्स को पोस्ट करता है, तो वो आपका पोस्ट ऑफिस होता है। तो क्या नर्स जो है वो पोस्ट ऑफिस में काम करती है? नहीं, नर्स जो है वो हॉस्टल में काम करती है। मेसन मिस्त्री का काम करते हैं, पोस्टमैन और पुलिस, पुलिस जो है आपको पता है कि वो पोस्ट ऑफिस में काम नहीं करती है। तो पोस्ट ऑफिस में कौन वर्क करता है? पोस्टमैन। कौन काम करता है बेटे? पोस्टमैन। पोस्टमैन वर्क्स इन ए पोस्ट ऑफिस। सो आपका ऑप्शन जो रहेगा सही बेटे, दैट इज सी ऑप्शन। तो आपका ऐसे सी ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनाली इज एन एरिया। ऑप्शन ए प्लेन, बी हिली, सी सी एंड डी इज हॉट। मनाली इज एन एरिया, आइदर प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, सी एरिया है या फिर हॉट एरिया है। तो बेटे इनमें से मनाली जो है इट इज अ हिली एरिया। मनाली जो है वो कैसा एरिया है बेटे? इट इज अ हिली एरिया। मनाली इज ए हिली एरिया। तो मनाली कैसा एरिया बेटे? हिली एरिया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपकी सही रहेगी बेटे वो आपकी बी ऑप्शन जो होगी वो सही ऑप्शन रहेगी, क्योंकि मनाली इज एन एरिया, वो किस तरह का एरिया है? हिली एरिया है। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 5, एंड योर क्वेश्चन नंबर 5 इज इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर। आपको बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन है जो सोर्स ऑफ वाटर है। ऑप्शन ए इज वेल, बी ट्री, सी फील्ड एंड डी इज बस। कौन सा ऐसा इसमें से जो है वो स्रोत है पानी का? इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर, आइदर वेल, ट्री, फील्ड एंड बस। तो बेटे अच्छी तरह से हम सभी जानते हैं कि जो पानी का स्रोत है वो है वेल। क्या है बेटे वो? वेल। वेल इज ए सोर्स ऑफ वाटर। सो योर ऑप्शन ए इज राइट आंसर बेटा। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो यहां बेटे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन जो है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन है। आपके पास 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से बेटे आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। सो इट इज ऑफ 5 मार्क्स। सो यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 2, एंड योर क्वेश्चन नंबर 2 इज बेटा ट्रू एंड फॉल्स। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटे वो क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। आपको ये बताना है, आपके पास 7 ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, उन 7 ट्रू और फॉल्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट जो है बेटे आपकी क्या है? आपकी डू ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। ठीक है, डू ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। जितने की जितने लीव्स हैं सभी के सिमिलर कलर्स होते हैं, सिमिलर शेप्स होती हैं और सिमिलर मार्जिन्स होते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। जबकि ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि जितने भी लीव्स होते हैं सभी की शेप सेम नहीं होती है, सभी का कलर सेम नहीं होता है और सभी का मार्जिन जो होता है वो भी सेम नहीं होता है, क्योंकि हर लीव का अलग अलग जो होती है उसकी शेप होती है, अलग अलग कलर होता है और अलग अलग मार्जिन होता है। इस वजह से ये कौन सी स्टेटमेंट बेटे? फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड, वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। बिल्कुल सही है, वी कैन टॉक थ्रू डांस वेल, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड इज रेल इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रेल इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो इट इज अगेन ट्रू। ये भी आपका क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट 4, लुइस बरेली बिलोंग द जर्मनी। नो, इट इज फॉल्स। लुइस बरेली नॉट बिलोंग द जर्मनी, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट 5, ब्लैक स्मिथ मेक्स अ पॉट ऑफ सोयल। जो ब्लैक स्मिथ है इट मेक्स अ पॉट ऑफ सोयल, इट इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। ब्लैक स्मिथ जो है इट इज नॉट मेक अ पॉट ऑफ सोयल, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पीटर लविंगली पैटेड द वर्ल्ड।
पीटर लविंगली पैटेड द बॉय. सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट. पीटर लविंगली पैटेड द बॉय, सो इट इज ट्रू. इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड मैन टेकन केयर ऑफ, इट इज अगेन ट्रू. क्योंकि जो फैमिली होती है उसमें बच्चों की और बुजुर्गों की केयर की जाती है, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो बेटे आप इनको अच्छे से नोट कर लें, ट्रू एंड फॉल्स है. आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं. सेवन ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स है वो आप देख सकते हैं. तो यहां बेटे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ शिफ्ट टू द थर्ड क्वेश्चन एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपका 7 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का बेटे? 7 मार्क्स का. और जो आपके ट्रू एंड फॉल्स थे ये भी आपके 7 मार्क्स के थे. चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके 5 मार्क्स के थे, ट्रू एंड फॉल्स आपके 7 मार्क्स के हैं. अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है वो भी आपका 7 मार्क्स का रहेगा. सो बेटे फर्स्ट हमारा फिलअप जो है, योर फर्स्ट फिलअप इज द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवरियस फैमिली वर्क एज ए धोबीज. वर्क एज ए धोबीज. द फेदर ऑफ वर्ड्स, द फेदर्स ऑफ वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट, द फेदर्स ऑफ वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. द फेदर्स ऑफ वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. थर्ड आपका फिलअप जो है बेटे, ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग डैश इन द लेन. All the children were playing dash in the lane. So all the children were playing stapoo. Stapoo in the lane. Reena's letter reached Delhi by dash. So by train. Reena's letter reached Delhi by dash. So here the letter reached Delhi by train. Next is houses in Assam are made on strong dash pillars. Houses in Assam are made on strong dash pillars. So here houses in Assam are made of strong bamboo. Bamboo pillars. Bamboo pillars. Bamboo pillars. Your next is the children in the class were started on hearing the sound tuck. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. Next is Sajida's sister gave her a very beautiful, Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. Dupatta. तो बेटे यहां पर आपके 7 फिलअप्स आ गए हैं. पहला फिलअप जो था, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. तो इस तरह से बेटे आपके यहां पर टोटल जो है वो 7 फिलअप्स रहेंगे जो कि 7 मार्क्स के रहेंगे. तो यहां हमने फिलअप्स डिस्कस कर लिए बेटे. नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is your question number 4 and your question number 4 is match the following and it is your question number 4. एक तरफ जो options दिए गए हैं बेटे, number 1 is sick, B rain butter, 3 goat, 4 Rajasthan, 5 Louis Bareilly and 6 is music. दूसरी तरफ तो जी ही है, A piano, B France, C mud houses, D ग्रास, ई टैंक्स एंड एफ एस हॉस्पिटल. अब आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, दोनों तरफ ए और बी में दोनों तरफ आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं. उनको आपने मैच करना है एक दूसरे के साथ. सिक कहां जाते हैं, बीमार कहां जाते हैं बेटे? सिक इन द हॉस्पिटल. रेन वाटर, रेन वाटर को कहां स्टोर करते हैं? टैंक्स में. गोट, गोट क्या खाती है बेटे? ग्रास.
राजस्थान, किस तरह के हाउसेस होते हैं राजस्थान में? मड हाउसेस। लुईस बरेली, फ्रांस। लास्ट म्यूजिक, पियानो। सो दिस इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपका मैच था जिसको हमने मैच किया एक दूसरे के साथ, तो ये इसका एक करेक्ट पैटर्न है उसको मैच करने का, जिसमें हमने ए ऑप्शन के बी ऑप्शन के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ सही ऑप्शन के साथ जो उसको हमने क्या करना है, मैच करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे आपका, जिसका जो नेम है दैट इज मैच द फॉलोइंग। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 5, एंड योर क्वेश्चन नंबर 5 इज अंडरस्टैंड द रिडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका 2 मार्क्स का नहीं होगा। इससे पहले मैच द फॉलोइंग जो था वो आपका 3 मार्क्स का था। मैच द फॉलोइंग इज ऑफ 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स का नहीं होगा। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन इज अंडरस्टैंड द रिडल एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको एक रिडल दिया गया है, उस रिडल को आपने अंडरस्टैंड करना है, और उस रिडल को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने जहां पर फिल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको आपने सही फिल के साथ उसको क्या करना है, फिल करना है, सही ऑप्शन के साथ उसको क्या करना है, आपने फिल करना है। तो आपका रिडल क्या है बेटे, उहू उहू इज माय साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माय स्वीट वॉइस गिव मी फेम, डैश इज माय नेम। ये आपका रिडल है, फिर से एक बार मैं रीड करूंगी, उसको अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद आप सही ऑप्शन जो है वो यहां पर फिल करें। कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव मी अ फेम, डैश इज माई नेम। तो उसका नाम बताना है, सो बेटे दैट इज कुकू, कुकू। कुकू इज माई नेम। कुकू, कुकू इज माय नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, आपका 10 मार्क्स का रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स और वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन जो है बेटे आपके पास क्वेश्चंस दिए गए होंगे, ठीक है, 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 8 क्वेश्चंस में से आपको एनी 6 क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस में से कोई 6 क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटे आपका, राइट द नेम ऑफ एनी 4 ट्रीज, इन्हीं 4 ट्रीज के नाम बताने हैं। तो बेटे 4 ट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं आपके, नीम, मैंगो, ओक, पीपल। पीपल, ठीक है बेटे, ये आपके 4 ट्रीज आ गए बेटे। तो 4 ट्रीज के नाम क्या क्या हुआ बेटे, नेम जो हमने 4 ट्रीज के नेम पूछा आपसे, नीम, मैंगो, ओक, पीपल, दीज आर द नेम्स ऑफ द 4 ट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अवर फर्स्ट स्कूल। सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या बच्चे आप जानते हैं कि सबसे पहला स्कूल जो होता है वो कौन सा होता है? तो बच्चे अवर फैमिली, अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल, अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल। तो जो हमारी फैमिली होती है वो हमारा पहला स्कूल होती है, अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल। तो जो सबसे पहला हमारा जो परिवार होता है वही हमारा क्या होता है, पहला स्कूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, घरों में जो बर्तन होते हैं बेटे वो किस चीज के बने होते हैं? तो यूटेंसिल्स जो है वो किस किस चीज को मिलकर बने होते हैं बेटे, सच एज कॉपर, कॉपर को मिलकर बने होते हैं, ग्लास, क्ले, आयरन, ब्रास, ठीक है, ब्रास है बेटे, ब्रोंज, एल्यूमिनियम,
चीजों से आपके जो घरों के यूटेंसिल्स होते हैं वो बने होते हैं, सच एज कॉपर, ग्लास, क्ले, आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड एल्यूमिनियम। तो इन सब से आपके यूटेंसिल्स जो होते हैं वो बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किन्हीं फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम बताएं। तो क्या क्या मीन्स आपके ट्रांसपोर्ट के बेटे? कार, बस, ट्रेन, ठीक है, कार, बस, ट्रेन, ठीक है, एरोप्लेन, एरोप्लेन। सो ऑल दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सच एज कार, बस, ठीक है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, ऑल दीज आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क। क्या आप घर में घर के काम करते हैं? अगर करते हैं तो क्या काम करते हैं? यस, हम घर का काम करते हैं। यस, आई डू हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। किस तरह से करते हैं? आई फोल्ड द बेडशीट, ठीक है, एंड फिल द वॉटर इन द बकेट्स। तो इस तरह से क्या काम करते हैं आप? काम करते हैं घर में, जैसे कि मैंने बताया, आई फोल्ड द बेडशीट एज वेल एज आई फिल द वॉटर इन द बकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सी गेम जो है वो आपको बहुत पसंद है? तो कौन सी गेम है बेटे, कौन सी गेम को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ठीक है, कौन सी गेम है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? यहां लिख सकते बेटे, आई लाइक हॉकी, आई लाइक हॉकी, ठीक है। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक हॉकी। हाउ इज अ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। हाउस बोट जो है वो किस तरह से दूसरे हाउसेस से अलग होती है? ए हाउस बोट फ्लोट्स ऑन द वॉटर वेयर एज अ हाउस is fixed on the ground. So this is the difference between the houseboat as well as house. जिसमें कि मैंने बताया, a houseboat floats on the water, whereas a house is fixed on the ground. So this is the differentiation between the houseboat as well as house. Now last question, and your last question is, क्या है अपने last question? Write the name of any two animals to whom you cannot टच। दो ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते हैं। तो बेटे, दीज टू एनिमल्स विच यू कैनॉट टच आर लॉयन एंड टाइगर। लॉयन एंड टाइगर, दीज आर द टू एनिमल्स टू हूम वी कैनॉट टच, जिनको कि हम टच नहीं कर सकते हैं। सो दीज एनिमल्स आर लॉयन एंड टाइगर। सो बेटे, ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका 10 मार्क्स का रहेगा, 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई 6 क्वेश्चंस होंगे वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड योर क्वेश्चन नंबर 7 इज, वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम। जैसे कि आप सभी जानते बेटे कि सभी ने अपने अपने घरों में जो होते हैं वो पालतू जो जानवर है वो पाले होते हैं। इन द टेबल बिलो, आपके पास एक टेबल दिया गया है, बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स, उनमें से कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, व्हाई डू वी कीप देम, हम उनको क्यों रखते हैं? क्वेश्चन क्या है बेटे आपका? वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम एंड इन द टेबल दैट इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सच एनिमल्स, सो व्हाई डू वी कीप दीज एनिमल्स, व्हाट इज द रीजन? देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट रीजन वी कीप सच टाइप ऑफ द एनिमल्स इन अवर होम्स। So first is name of the animal and why do we keep them? हम क्यों रखते हैं उसको? It is of 5 marks. 5 marks का question है आपका ये, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि name of the animals है, why do we keep them? पहला animal है आपका dog, ठीक है, second animal क्या है बेटे आपका? cow. third animal क्या है? hen. fourth animal क्या है? donkey. और fifth जो animal है आपका that is honeybees. डॉग को हम क्यों रखते हैं बेटे? फॉर सिक्योरिटी। घरों में हम डॉग रखते हैं, सभी घरों में कुत्तों को पालते हैं, सो
We keep them for security. Second is cow. Why do we keep this animal? What is the reason? For milk. For milk. Next is hen. Why do we keep this animal? So we keep this animal for egg. For egg. For eggs. Next is donkey. For transport. For transport. Last, honeybees. For honey. So we keep some pet animals at home and in the table that is given below, and these are the name of such animals. So why we keep these animals at our homes? So dog for the security, cow for milk, hen for eggs, donkey for transport, and honeybees for honey. So that's why we keep these animals. इस वजह से हम इन animals को क्या करते हैं, अपने घरों में रखते हैं. And this question is of 5 marks. तो बेटे आप इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. एंड योर क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. घरों में सभी कुकिंग करते हैं, सभी खाना बनाते हैं, कुक करते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कुकिंग के सभी के. तो ये एक आपके पास जो एक नीचे आपका टेबल दिया गया है, दिस इज गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कुकिंग. Different methods are हमारे पास cooking के. So write the names of the two things cooked by each of these methods. आपको कम से कम दो names किसी things के, दो names जो हैं ऐसे things के बताने हैं जो कि इन methods की help से क्या होते हैं, cook होते हैं. So first is method of cooking and names of things. So first method of cooking is roasting, boiling, frying, baking and steam. तो roasting क्या क्या करते हैं बेटे आप, क्या क्या चीजों को हम रोस्ट कर सकते हैं, किन किन चीजों को बेटे हम बॉइल कर सकते हैं, किन किन चीजों को हम फ्राई कर सकते हैं, और किन किन चीजों को हम बेक कर सकते हैं, और किन चीजों को हम स्टीम कर सकते हैं. तो जिन चीजों को हम रोस्टिंग कर सकते हैं बेटे, वो है रोस्टिंग वाले आपके पोटैटो, और सेकेंड है आपका कॉर्न. यह आपका 5 marks का क्वेश्चन है बेटे. जिनको हम रोस्टिंग कर सकते हैं बेटे वो आपके क्या है, पोटैटो एंड कॉर्न. अब बॉइलिंग हम किसको कर सकते हैं, किस चीज की हम बॉइलिंग कर सकते हैं, जिनको हम इजीली बॉइल कर सकते हैं. तो बॉइल जो हम कर सकते हैं बेटे वो है आपके एग एंड पोटैटो. इनको हम क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटे आपका फ्राइंग. तो फ्राइंग हम क्या कर सकते हैं, फ्राइंग में हम क्या करते हैं बेटे, फ्राइंग में हम पकौड़ा एंड पूरी, पकौड़ा एंड पूरी. नेक्स्ट इज योर बेकिंग बेटा. तो हम बेकिंग में क्या कर सकते हैं बेटे, बेकिंग में हम क्या करेंगे बेटे, ब्रेड और दूसरा थिंग है आपका बिस्किट, ब्रेड बिस्किट. उसके बाद बेटे आपका स्टीम है. तो स्टीम में हम क्या कर सकते हैं, स्टीम में आपका आएगा इडली और कॉर्न. सो बेटा हियर दिस इज द टेबल वेयर देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कुकिंग, एंड बाय दीज मेथड ऑफ कुकिंग यू हैव टू मेंशन द टू थिंग्स दैट इज कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स. सो दिस इज द मेथड ऑफ कुकिंग. देयर आर 5 methods ऑफ कुकिंग सच एज रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग एंड स्टीम. तो इनके द्वारा जो टू थिंग्स हमारे कुक हो सकते हैं, रोस्टिंग के द्वारा हमारा पोटैटो, कॉर्न, दीज आर द टू थिंग्स दैट इज अ मेथड बाय द रोस्टिंग. सेकंड जो हमारे बॉइलिंग के साथ हमारा मेथड ऑफ कुकिंग है वो है आपके थिंग्स एग एंड पोटैटो, फ्राइंग, पकौड़ा, पूरी, बेकिंग में ब्रेड एंड बिस्किट, और स्टीम में इडली एंड कॉर्न. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 marks. नेक्स्ट बेटा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्लेस योर लेफ्ट हैंड. सपोज इट इज योर लेफ्ट हैंड, आपको लेफ्ट हैंड अपना लेना है ऑन अ पेज.
जो भी आपकी आंसर शीट होगी वहां पर आपका जो होगा पेज होगा, उस पेज के ऊपर आप अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे और लेफ्ट हैंड रखने के बाद ट्रेस द आउटलाइन, उसके बाद आप आउटलाइन को ट्रेस करेंगे विद योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड के साथ, और उसके बाद आप क्या करेंगे हैंड की पिक्चर को ड्रॉ करेंगे एंड कलर इट. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 marks. सपोज करो बेटे जैसे मैंने अपना हैंड रखा है, इट इज माय हैंड, कैसे ड्रॉ करेंगे आप? तो बेटे इस तरह से आपका हैंड बन गया है, दिस इज योर हैंड, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर लेफ्ट हैंड. अब आपका ये लेफ्ट हैंड बन गया है, जैसे कि मैडम ने अपना लेफ्ट हैंड रखा, उसको विद द हेल्प ऑफ योर राइट हैंड उसको आप ट्रेस करेंगे. ट्रेस करने के बाद आप उसमें सुटेबल कलर जो होंगे वो फिल करेंगे. तो इस तरह से आपका ये हैंड बन गया है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे कलर इट. इसको आप क्या करेंगे कलर इट, उसके बाद आप इसको कलर करेंगे. ठीक है बेटे, तो ये आपका 3 marks का क्वेश्चन रहेगा. तो बेटे यहां पर आपके क्वेश्चंस जो हैं ईवीएस के कंप्लीट हो गए हैं. टोटल आपके 9 questions आपके ईवीएस के पेपर में आएंगे 3rd class के लिए. 9 questions जो है आपका, आपने कोई भी आपको पिक्चर, यहां तो हमने हैंड की पिक्चर ड्रॉ की, कोई भी आपको पिक्चर दी जा सकती है, उसको आपने ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के साथ आपने उसमें सुटेबल कलर होंगे वो फिल करने होंगे. अब हम बैक जा रहे हैं बेटे. इस तरह से आपका जो 8th question है वो आपके पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग दिए गए हैं, जैसे रोस्टिंग है, फ्राइंग है, बॉइलिंग है, बेकिंग है, स्टीम्ड है. तो इन मेथड्स के अंदर कौन कौन से थिंग्स जो होते हैं वो हम उनको कुक करते हैं. ये क्वेश्चन आपका 5 marks का रहेगा, इट इज क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था बेटे कि आपके हम घरों में वी ऑलवेज की सम पेट एनिमल्स एज आवर होम्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं, एनिमल्स के नाम दिए गए आपको पर उनको हम क्यों रखते हैं, व्हाई डू वी कीप देम. ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह का है, तो वो 5 marks का है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आंसर का होगा 6 questions, 8 questions दिए जाएंगे, कोई 6 questions आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 10 marks का क्वेश्चन रहेगा और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks. 5th question जो होगा वो आपको एक रिडल दिया जाएगा, अंडरस्टैंड करना है उस रिडल को, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्या करना है उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, वो क्वेश्चन आपका 2 marks का रहेगा बेटे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैच द फॉलोइंग होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 marks का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, 7 fill in the blanks दिए जाएंगे, 7 marks का रहेगा बेटे ये. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है 2 वो है ट्रू एंड फॉल्स का, वो भी आपके 7 true or false दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन भी आपका 7 marks का रहेगा. और जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा बेटे वो है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको 5 जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस में से आपको हर एक क्वेश्चन के 4 options दिए जाएंगे और उन 4 options में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो इस तरह से बेटे आपके टोटल आपके 9 questions जो होंगे वो ईवीएस में पूछे जाएंगे. और आज जो हमारा एपीएस क्लासेस का जो पर्पस था, 3rd class के ईवीएस पेपर को हमने फुली सॉल्व करवाया है और इससे बच्चों को फाइनल एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो झेलनी नहीं पड़ेगी. तो इस पेपर को आप जो है इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें. तो कल की जो वीडियो बेटे हम बनाएंगे आपकी वो अगले सब्जेक्ट की बनाएंगे 3rd class की. तो इस तरह से आपके 2 subjects आपके कवर हो चुके हैं, इंग्लिश कवर हो चुका है और ईवीएस कवर हो गया. अब जो आपके 2 subjects बचे हैं वो है मैथ्स और हिंदी. तो हम कल की वीडियो में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो बेटे वो डिस्कस करेंगे, फुली सॉल्व मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे. सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स.